हम कोर्ट में हमारे आयरन के लिए लड़ते हैं, लेकिन आपने कर दिखाया कि हर चैनल, पूरी दुनिया के न्यूज चैनल और न्यूज से आप ले आए, और हमारे घर और लोगों के दिलों में आप आई हमारा लेके आई है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे बुरे दिन वापिस ले आओ, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो हम नया मुल्क बनाएंगे हमारे आईन को लेकर हमारे आप दिलों में है और हमारी जिंदगी में है, ये एक बेहतर मुल्क होने चाहिए, बेहतर जिंदगी यहाँ चाहिए, और चाहते हैं कि ये देश सिर्फ एक मजहब का ही नहीं लेकिन सब लोगों का हो, चाहे सिर्फ मर्दों का नहीं, खातीनों का भी हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, दलितों का हो, बहुजन लोगों का हो, और ये चीज आपने वहां बैठ के मुमकिन कर दी है। सिर्फ एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, अब 30 दिन हो गए हैं, और जितना ये आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन बस यहाँ बैठ के नहीं चल रहा है, यहाँ बैठ के शाहीन बाग से घर घर में जा रहा है और लोगों की जिंदगी में जा रहा है और कोर्ट में भी जा रहा है। जैसे ये कह रही थी सीए एनआरसी की लड़ाई और नहीं कोर्ट में, ये सारे लड़ने को कई और लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम कई और जंग लड़ रहे हैं, हम भोपाल की लोगों की जंग लड़ रहे हैं, हम इस देश के नागरिकों की जंग लड़ रहे हैं, आईन के हर प्रावधान को समेट के कोर्ट के पास जाकर हमारे हक लेने के लिए। लेकिन ये जंग सफल नहीं होगी तब तक जब तक सब नहीं जुड़ेंगे और सब आगे नहीं बढ़ेंगे और सब हर दिन, चाहे यहाँ बैठे ना बैठे, दिन के बाद दिन के बाद दिन, हर दिन इस जंग के साथ जुड़े ना रहेंगे।